अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हम आज अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अंडा करी, जो बनाने में जितना आसान है खाने में उतना ही लाजवाब है। चलिए हम अपना अंडा करी बनाना शुरू करते हैं। अंडा करी बनाने के लिए मैंने 5 अंडा ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 चम्मच जीरा ले लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। चलिए बना हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को फ्लेम पर रख दिया है, हमारा कढ़ाई गरम हो गया है। अब हम लोग इसमें तेल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने प्याज को और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया था। अब हम लोग प्याज और हरी मिर्च को लाल करेंगे। हमारा प्याज और हरी मिर्च लाल होने हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको 1 मिनट तक भून लेंगे। हम लोगों का अदरक लहसुन का पेस्ट 1 मिनट तक भुन गया। अब इसमें हम लोग सूखे मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले ना, और हम लोग इसको भी भून लेंगे। हमने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार अपने नमक आप अपना नमक डाल लीजिएगा। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब हमारा 1 उबाल आने तक पानी सालन को ढक देंगे। देखिए हमारा सालन उबलने लगा है। अब हम इसमें अंडा तोड़ के डालेंगे। हम लोग ऐसे ही इसमें सीधा अंडा तोड़ देंगे। अब हम लोग इसको ढक के 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर बनाएंगे। उसके बाद हम लोग फ्लेम को धीमा कर देंगे। अब हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारा अंडा करी बनके तैयार हो चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप अपने घर में अंडा करी बनाइए, अपने फैमिली को खिलाइए, सबको खिलाइए, आप भी खाइए, खुश रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।